बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हैं, मेरे साथ एंड तक रहिएगा। और इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था बच्चों के लिए, जिसमें सिंपल स्क्रैम्बल एग था ब्राउन ब्रेड के साथ, और कुछ बच्चों ने लगा लिया था चॉकलेट स्प्रेड हेज़लनट। तो इसके बाद मैंने खाना बनाया था, जो कि रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बटर और गार्लिक को लाइट सा फ्राई किया, और ये है पास्ता सॉस, जो कि वाइट पास्ता सॉस है चीज़ वाली, ये मिक्स कर देंगे। इसके बाद पोटैटो को स्लाइस में इस तरह से काट के, तो आपने बिछा देने हैं सारी ट्रे में। और ये जो पास्ता सॉस है वाइट वाली, ये आप घर में भी बना सकते हैं, बटर मेल्ट करके उसमें वाइट फ्लावर मैदा डाल के और सॉल्ट एंड पेपर डाल के इसको कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध मिक्स कर दें और सारी वो पेस्ट बन जाएगी, थोड़ी सी चीज़ डाल दें उसमें। सो यहाँ पे लेयर बिछाते जाएंगे आलू की और इस सॉस की। इसके बाद मिक्स हर्ब्स मैंने थोड़े से ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, आप इसके ऊपर एंड पे चीज़ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़। तो बस इसको बेक कर लिया था, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी, और ये सबसे ज़्यादा बच्चों की फेवरेट है, और वैसे बड़े भी आलू शौक से ही खाते हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और होपफुली आपको पसंद आएगी। मुझे अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में याद रखिएगा कि आपको बताना है कि आपने बनाई और कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया करें, सेम नाम है। और आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। इसको बेक किया था मैंने फॉइल लगा के, और साथ ये टाइगर ब्रेड है, इसके साथ हमने इसको खाया था टाइगर ब्रेड के स्लाइस काट के और साथ पोटैटोज़ के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआ में याद। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।